तो प्रदेश में स्कूलों, धर्मस्थलों और हाईवे के पास चल रही शराब की दुकानों पर जल्द ही ताला लटका नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी दुकानों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब बनाने और बेचने की गतिविधियों पर पूरी सख्ती की जाए। इसके साथ ही किसी भी जनपद में ऐसी गतिविधि न हो, खासतौर पर धर्मस्थलों, स्कूलों, हाईवे आदि के करीब किसी भी हालत में शराब की दुकानें नहीं संचालित होनी चाहिए। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कांवर यात्रा के मार्ग में मांस और शराब की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दे चुके हैं। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं स्कूल, इसके साथ हाईवे और जो धार्मिक स्थल है उनके आसपास शराब की दुकानों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। कहीं ना कहीं इसके पीछे धार्मिक, स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा के कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और अहम फैसला लिया था। क्या था वो फैसला? कि कांवर यात्रा के जो रूट्स होंगे उन पर मांस और शराब की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। वकी एक बड़ी खबर सामने आ रही जिसे हम वापस आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बड़ा फैसला क्या है कि स्कूल, धार्मिक क्षेत्र, इसके साथ ही तमाम तरह के जो हाईवेज हैं उनके आसपास शराब की दुकानों पर पूर्ण रूप से पाबंदी बनी रहेगी। सहयोगी फैज इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। फैज, बड़ी जानकारी सामने आ रही, शराब दुकानों पर कहीं ना कहीं अब नकेल कसने की ये पूरी तैयारी है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है पूरे मामले में? तो है सावन का महीना है और इसमें कांवड़ यात्राएं जो निकलती हैं और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही इसके निर्देश जारी कर दिए थे कि जो कांवड़ यात्रा है वो एक पवित्र यात्रा होती है और इस यात्रा के दौरान डायवर्जन बनाए गए हैं और डायवर्जन के तहत उन जगहों पर अगर कोई मांस या मछली बिकता है या फिर शराब की दुकानें होगी तो वहां पर वो प्रतिबंधित रहेगा, यानी वहां पर वो बेचा नहीं जाएगा। इसके अलावा तमाम तरह की जो गाइडलाइन, चाहे प्रमुख सचिव गृह की बात करें या फिर जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी, उन तमाम लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है कि किस किस डायवर्जन पे किस रूट से कांवड़ यात्रा निकलेगी और इसके साथ ही जहां पर नदी है, नहरें हैं, वहां पर गोताखोर भी मौजूद रहेंगे, अस्थायी चिकित्सा व्यवस्थाएं रहेंगी और जो अगर हाईवे के किनारे अगर हॉस्पिटल से ट्रामा सेंटर, वहां पर यह सुनिश्चित करा लिया गया है कि तमाम व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद हो। अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें होती है तो वहां पर उन कांवड़ यात्रियों को व्यवस्था की जाए और इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट्स की। फैज, जो जानकारी है, जो सबसे अहम जानकारी है वो ये है कि धार्मिक स्थल, स्कूल और जो हाईवे है उनके पास से शराब दुकानों को पूरी तरीके से बंद करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? क्या ये जो फैसला लिया गया है वो परमानेंट फैसला है या फिर फिलहाल सावन मास के लिए ये फैसला लिया गया है? परमानेंट फैसला नहीं है ये, केवल कांवड़ यात्रा, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है, एक कांवड़ यात्रा निकलती है जो कि पवित्र यात्रा मानी जाती है और इस इलाके में इन तमाम चीजों को होना प्रतिबंधित है। इसलिए जब तक ये सावन का महीना और रहेगा, कांवड़ यात्रा चलती रहेगी, तब तक के लिए उन एरिया में, यानी उस जगह पर जहां पर से ये कांवड़ यात्रा गुजरेगी, वहां पर ये बेचा नहीं जा सकता या ना ही खरीदा जा सकता। अगर इस दिशा में अगर कहीं पर भी कोई कोताही नजर आएगी तो जाहिर तौर पर सरकार, प्रशासन इन तमाम लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। फैज, फिलहाल के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया इससे राजस्व को पर कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? फैज, राजस्व पे तो इनका इसका पड़ता ही इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में या कहीं की भी अगर अगर उसकी बात करें तो उसका राजस्व की सबसे ज्यादा अगर कहीं से भरपाई होती है तो इन शराब और मदिरा से ही होती है। जाहिर तौर पे राजस्व को इसमें घाटा जरूर होगा, लेकिन एक धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी है, एक हिंदुत्व जो रास्ता है, पवित्र यात्रा है, उन तमाम चीजों पर सरकार भी ध्यान देती है और कहीं ना कहीं किसी के